आपको याद है स्कूल में हम सबको चिपकू मूवमेंट के बारे में पढ़ाया गया था। ये एक ऐसा आंदोलन था जब उत्तराखंड के गांव के कुछ लोग ने वहां के पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से जाकर चिपक गए, ये कहकर कि उनके जीवित रहने से ज्यादा जरूरी है पेड़ों का जीवित रहना, इसलिए पेड़ को काटने से पहले गांव वाले अपनी बलि दे देंगे। ये बात 1963 की है जब उत्तर प्रदेश स्पेशली हिमालयन रीजन विकास और कल्याण की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, क्योंकि फॉरेन की कुछ कंपनीज के लिए ये एरिया परफेक्ट था अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, डेवलपमेंट तो होने लगा लेकिन उसके साथ destruction bhi. Many of the commercial logging endeavors were mismanaged and the clear-cut forest led to lower agricultural yield, erosion, depleted water resources and increased flooding throughout much of the surrounding areas. Apne saamne environment ka nuksan hote dekh, Sundarlal Bahuguna ne Uttarakhand mein chipku movement ki shuruaat ki, jahan gaon ke log ped ke katne ke waqt ped se chipak jate the, ताकि वो पेड़ को कटने से बचा सकें। सुंदरलाल जी का मानना था इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। पॉलिटिशियंस के पास लाउड स्पीकर्स हैं, पर उन पेड़ के लिए कौन बात करेगा जो काटे जा रहे हैं, पहाड़ों की देखरेख कौन करेगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम भी कटी हुई पेड़ की चीख सुने, समुन्दर की आवाज सुने, पहाड़ों की गुहार सुने, शायद तभी जाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। सुंदरलाल जी के इस मूवमेंट से गांव वालों को समझ आने लगा कि पर्यावरण को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। फॉरेस्ट राइट्स और कंजर्वेशन लॉज जैसी चीजें जो किताबों में छिप गई थी वो गांव वालों को समझ आने लगी। सुंदरलाल जी और गांव वालों की जिद और मेहनत से 1981 में कमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ को काटने से रोक दिया गया। लोगों की मेहनत और पर्यावरण को बचाने की जिद से 1987 में चिपकू मूवमेंट को राइट लाइवलीहुड से सम्मानित किया गया। पर लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि चिपकू मूवमेंट तो बस एक शुरुआत थी उन सारे गलत कामों को खत्म करने के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। 1984 में सुंदरलाल जी कश्मीर से कोहिमा तक पैदल चलकर एक रिपोर्ट तैयार की और यूनाइटेड नेशंस को दिया, ये बताकर कि कैसे हिमालयन रीजन की हालत खराब होती जा रही है और इसे बचाना अब कितना जरूरी हो गया है। सिर्फ यही नहीं, भागीरथी रिवर पर तेहरी डैम को बनने से रोकने के लिए उन्होंने महीनों तक बहुत सारे भूख हड़ताल किए, लेकिन उनके इतने मेहनत के बाद भी उन्हें बदले में सिर्फ झूठे वादे मिले। अपने मेहनत को असफल होते देख 1981 में उन्होंने पद्मश्री लेने से तक इनकार कर दिया और फिर 2001 में फिर से तेहरी डैम के बनने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन क्या सुंदरलाल बहुगुणा जी इस असफलता के बाद हार गए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सुंदरलाल जी आखिरी समय तक पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ते रहे और दूसरों को सीख देते रहे कैसे और किस तरह से हम अपने धरती माता की सेवा कर सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं। सुंदरलाल जी पिछले महीने कोविड होने की वजह से हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी दी हुई सीख हम सबके अंदर जिंदा रहेगी। आज हमें अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। नंबर वन, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू बाय। जब भी आप किसी चीज की शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, किस चीज से बना है और उस सामान को बनाने में कंपनी ने एनवायरमेंट का कितना नुकसान किया है। इसलिए ध्यान में रखिए कि आप जिस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं वो कंपनी किसी ना किसी तरह से प्लैनेट को बचाने के लिए काम कर रही है, ना कि प्लैनेट को बर्बाद करने में। सो बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू बाय। नंबर टू, से बाय टू द प्लास्टिक बॉटल। जब भी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने साथ पानी का बॉटल कैरी करिए। इससे फायदा ये होगा कि प्यास लगने पर आप प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स नहीं खरीदेंगे। अगर आप अपने इस हैबिट में सुधार लाएंगे तो प्लास्टिक से जनरेट होने वाली वेस्ट जो डायरेक्ट हमारे ओशंस में जाती है हम उसे रोक पाएंगे। नंबर थ्री, यूज लेस वाटर। कोरोना से बचने के लिए हमें सिखाया गया कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, लेकिन इस साफ सफाई के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी को ही खत्म कर दें। इसलिए आप जब भी अपने हाथ धोएं तब टैप सिर्फ तभी ऑन करें जब फाइनली आपको हाथ धोने हैं। उस 20 सेकंड में जब आप अपने हाथों को साबुन से साफ कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि वाटर टैप ना खुली हो, ऐसा करने से पानी कम वेस्ट होगा। नंबर फोर, इंस्पायर अदर्स। एनवायरमेंट को बचाने के लिए हर कोई थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेगा तो हम सब एक साथ बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए, उन्हें इंस्पायर करिए और बताइए कि एनवायरनमेंट को बचाना कितना जरूरी है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है एंड इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टू रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज एवरीथिंग दैट द एनवायरनमेंट हैज गिवन अस एंड टू टेक द प्लेज दैट वी विल प्रोटेक्ट इट। इसलिए आप भी आज से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना पहला कदम उठाइए और इसकी शुरुआत आप घर से कर सकते हैं, अपनी डेली हैबिट्स में बदलाव लाकर कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन क्रिएट a better future.